पहले गाजर घास सिर्फ पड़ती भूमि, खाली स्थानों, सड़क और रेल की पटरियों के किनारों, औद्योगिक स्थलों इत्यादि में ही एक समस्या थी, लेकिन अब इसका प्रकोप हर किस्म की फसलों, बाहों, वनों आदि में हो चुका है। इस खरपतवार द्वारा कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों की पैदावार में लगभग 40% तक का नुकसान आंका गया है। फसलों के अतिरिक्त जैव विविधता पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चारागाहों में गाजर घास के फैलने के कारण अब पशुओं के चारे की समस्या भी पैदा होने लगी है। अत्यधिक विषाक्त होने के कारण इस खरपतवार का मनुष्यों एवं पशुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। ये पाया गया है कि गाजर घास के संपर्क में आने से मनुष्यों में चर्म एवं श्वास संबंधित रोग हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज गाजर घास होता है और उसमें अगर चलने फिरने से तो ये पैरों में ये पक गया लगता है गाजर घास बहुत ज़्यादा, उससे खुजलाहट उठती है, पानी बहता है, उससे बहुत बड़ी तकलीफ बढ़ जाती है हम लोगों के यहाँ पर गाजर घास से। और उसके बाद अगर शायद अगर वे कभी हाथ मात में छू लेते हैं तो मुँह में भी छाल वगैरह से ददर से आ जाते हैं, खुजलाहट पैदा होती है बहुत ज़्यादा। ये मैंने 3 खेत नीले फुलनू प्राथम का काटे थे, बहुत बड़ा बड़ा था, उसमें फूल आ गया था, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था और मेरा मुंह कड़वा होने लग गया और उसके 3रे ही दिन मेरे को ये एलर्जी हो गई हाथों में, सिर में और खाली जगह पे, खाली स्थानों में, नंगे स्थान में हुई है। ये आज से 7 वर्ष पहले ये हुई थी और आज तक भुगत रहा हूँ।